हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज देर रात। वो देर रात क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या महसूस कर रहे हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या ये वो व्यक्ति हैं जिनको आप याद कर रहे हो, आप मिस कर रहे हो, क्या वो आपको याद कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सोचिए उनके बारे में या उनका नाम लेकर स्टूडियो को वॉच कीजिए। अगर इनके साथ आपका कोई विश है, ड्रीम है, कोई डिज़ायर्स है, उसको याद करते हुए भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो या उसको ध्यान में रखकर उसको सोचकर। और यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर लीजिएगा कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करें। तो क्या है आज देर रात उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। पेज ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पैसेज। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हैं। बिल्कुल इनका डिज़ायर्स है आपको लेकर, या आपको बिल्कुल आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपके लव में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बात करना चाहते हैं। इनका जो हार्ट है बिल्कुल आपको फॉलो कर रहे हैं आपके साथ। मैं डिज़ायर्स देख पा रही हूँ, दोनों की ही सेम एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के लव में हो या अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो, मुझे लव दिखाई दे रहे हैं और दोनों के ही मन में डिज़ायर्स है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों आमने सामने आती रहते हो, आई कॉन्टैक्ट हो जाती है। ये चाहते हैं, आपकी आंखों में देखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ काफ़ी सारा वक्त गुजारना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, खुद को समझाना चाहते हैं। इनका जो हार्ट है आपको फॉलो करना चाहता है या आपके आपके साथ कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल इनका हार्ट चाहता है कि ये आपके साथ आगे बढ़ें, ठीक है, आपको फॉलो करें, आपको समझे, जाने, आपका साथ पाए, आपका साथ पाने के लिए कुछ करे, एक्शंस ले, ना कि बैठे रहे। तो इनमें आपके लिए डिज़ायर्स है, इनमें आपके लिए इमोशंस है, फीलिंग्स है, जो कि इनको क्लियरली पता है। ये काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। आप इनकी नज़रों में काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, हैंडसम हो, आप इनको अपनी ओर काफ़ी अट्रैक्ट करते हो, आपकी एनर्जी, आपका बिहेवियर, ठीक है। इनको काफ़ी पसंद है आपका ड्रेसिंग सेंस, इनको काफ़ी पसंद है जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हो। ये खुद को काफ़ी मैच्योर भी मानते हैं। कुछ लोग लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो या ऑलरेडी किसी और के साथ हो, और कोई और व्यक्ति है जो कि आपके लव में है। मुझे यहाँ पर लव ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लव ट्रायंगल है, कोई व्यक्ति सोच रहा है आपके बारे में, कोई आपको काफ़ी इंटेंसली देख रहा है, याद कर रहा है, किसी को डिज़ायर्स है आपको डेट करने का, आपके साथ आगे बढ़ने का, आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप कोई पाना चाहता है, कोई आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर या काफ़ी सारा वक्त गुजारना चाहते हैं, बिल्कुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो सेक्सुअल वाला नहीं है, वो कुछ और वाला नहीं है। यहाँ पर मुझे ट्रू इमोशंस, एनर्जी दिखाई दे रहे हैं, इंटेंशंस दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसके साथ कुछ करना है रोमांटिकली या सेक्सुअली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनका जो इमोशंस है मुझे ट्रू दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोई व्यक्ति है आपके प्यार में, गहराई में। तो कुछ लोग लिए मुझे यहाँ पर लव ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप किसी और के साथ हो या तो ये किसी और के साथ हैं, बट ये आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके लिए कुछ फील कर रहे हैं, इमोशंस फील कर रहे हैं और उसको चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक डिज़ायर्स है दिल में कि आपके साथ फ्रेंडशिप हो, आपके साथ डेट करें, आगे बढ़े। और क्या है इनकी फीलिंग्स। कैंसर स्कॉर्पियो पैसेस हो सकते हैं, स्पेशली कैंसर हो सकते हैं आपके लिए। 7 नंबर या 27-29 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स बताएं मुझे और क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स, या कौन है ये व्यक्ति जो कि मेरे व्यूवर्स को याद कर रहे हैं।
इनके साथ आप ऑलरेडी फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में, किसी सिचुएशनशिप में रह चुके हो, इनको शायद आपने अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराया था, या तो इन्होंने आपको, आपके फ्रेंड्स को मालूम है इनके बारे में, आप दोनों के ही फ्रेंड्स को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, इन्वॉल्व हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन में हो, स्टार्टिंग में इन्होंने अपने फ्रेंड्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया था, या तो आपने इनको कराया था, पर हाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके साथ आपने ऑलरेडी काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे को टच करना, एक दूसरे को हाथ पकड़ना पब्लिक प्लेस पर भी या फ्रेंड्स के सामने, और फ्रेंड्स भी बिल्कुल आप दोनों को पसंद करते हैं, एक इस नज़र से देखते हैं कि आप दोनों परफेक्ट हो, आप दोनों खुश हो, हैप्पी हो, एक दूसरे के लव में हो, और आप दोनों काफ़ी सीरियस हो एक दूसरे को लेकर। तो यस, मुझे फ्रेंड्स सीयर अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल मुझे फ्रेंड्स आप दोनों की खुशी में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, आपकी खुशी में खुश दिखाई दे रहे हैं, उनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हो या कभी रहे हो, कभी ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच, ठीक है। तो इनको आप ऑलरेडी जानते हो, इनके साथ टाइम स्पेंड किया है आपने, या किसी सिचुएशनशिप में, रिलेशनशिप में रहे हो, फ्रेंड्स इन्वॉल्व रहे हैं आप दोनों के बीच। क्या सोच रहे हैं आज देर रात आपको डेट करने के बारे में, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में, आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप करना चाहते हैं, या ठीक है इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, या आपको लेकर मुझे काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ले लव ट्रायंगल हैं, आप किसी और के साथ हो, या तो ये किसी और के साथ हैं, पर आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कभी इनमें इंटरेस्ट दिखाए थे, या आपकी क्रश हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जिन्होंने आपको नोटिस किया है, जो आपको एक चांस देना चाहते हैं, या खुद को एक चांस देना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये काफ़ी अलोन फील कर रहे हैं, आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए कुछ फील करने लगे हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप डेवलप किया जा सकता है, या आपके साथ काफ़ी खुश रहा जा सकता है, आप बिल्कुल इनको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे इनके इमोशंस को, या इनके लव की आप कदर करोगे, इनकी आप कदर करोगे, और आप राइट साबित होंगे इनके लिए, या आपके साथ आप पर भरोसा किया जा सकता है, मैरिज के लिए आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है। लॉयल्टी, ऑनेस्टी आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए इनको, ये सोच रहे हैं टाइम स्पेंड करने के बारे में, आपको कहीं लेकर जाने के बारे में, आपके साथ कहीं जाने के बारे में, आपको कहने के बारे में। शुरुआत फ्रेंडशिप से कर सकते हैं, या तो पहले फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं आपको, ठीक है, फिर धीरे धीरे आपके साथ टाइम स्पेंड करना, दिल की बातें करना, ऐसा भी हो सकता है, मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये नए हैं तो पहले फ्रेंडशिप, या फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना, फ्रेंड्स का हेल्प लेना, उसके बाद आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, सिर्फ आप और ये, और ढेर सारा वक्त, बिल्कुल इनको ये चाहिए। तो कैसे फ्रेंडशिप करनी है, या कैसे फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना है, फ्रेंड्स का हेल्प लेना है, कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, कैसे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, क्या कहना है, क्या बातें करनी हैं, कैसे अपनी फीलिंग्स, अपना वर्ड्स आपके सामने रखना है, ये मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फील करते हैं, ये जानते हैं कि आपकी इनमें इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है, या इनको लाइक करते हो, पसंद करते हो, इनका जो इमोशंस है, या जो लव है, अट्रैक्शन है, वो एक तरफा नहीं है, आपके साइड से भी सेम एनर्जी है, इनका ये सोच मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों का बच्चे हैं, या तो ये आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स है, आपको लेकर फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है।
बिल्कुल इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं शादी के लिए, फ्यूचर के लिए, तो इनका जो डिसीज़न होगा काफ़ी सही होगा, काफ़ी राइट होगा। आप इनकी लाइफ को खुशियों से भर दोगे, लव से भर दोगे, और ये खुद आपको बहुत खुश रखेंगे, आपके लिए लॉयल होंगे, आपका केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे। दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस होंगे, ऑनेस्ट होंगे। ये इनका सोच मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में बाहर ला सकते हो, खुशियाँ ला सकते हो, और ये आपके। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आज देर रात ये आपके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं कहा है तो कहना चाहते हैं सबसे पहले, ठीक है। और अगर ये व्यक्ति नए हैं तो शुरुआत फ्रेंडशिप से मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पायरसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वर्ल्ड है, तो सारे ही साइंस है यहाँ पर। तो आप इनके ड्रीम हो, ठीक है, आप इनके ड्रीम हो, विश हो, जो आपका विश है, जो आपका ड्रीम है, सेम इनका भी वही ड्रीम है आपको लेकर, आपके साथ। मुझे सेम फीलिंग्स दिखाई दे रहे हैं, सेम अट्रैक्शन, सेम थॉट्स दिखाई दे रहे हैं दोनों का, ठीक है। जो आप सोच रहे हो, जो आप चाहते हो उनके साथ कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, ये भी वही चाहते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, लव यू ऑल।